गायक गुरदास मान का सूबे भर के सिख जथेबंदियों वालों विरोध किया जा रहा है। इस चलते गुरदास मान से परचा भी दर्ज हो चुकिया है, पर हलका गिद्दड़वाहा के विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वालों इस दी निखेधी की गई है। जिक्र योग है कि पंजाबी लोक गायक गुरदास मान से धार्मिक भावनावां भड़काउण नूं लैके सिखां दे विच रोस पाया जा रहा है। इस दे चलते उन्होंने मामला दर्ज करवाया गया। अमरिंदर सिंह वालों इसका विरोध करते हुए इसकी निखेधी की गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह डीजीपी पंजाब पुलिस नूं मिलके वह यह प्रचार रद्द करवाउणगे। उन्होंने कहा है कि गुरदास मान ने हमेशा ही पंजाबी मां बोली की गल की है, पूरी दुनिया के अंदर पंजाबी बोली का प्रचार करने वड्डा योगदान पाया है। सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है, ठीक ठाक हो? मैनू पता लग्या कि गुरदास मान जी ते 295 का मुकदमा दर्ज होया है, जिहड़ा कि मैं समझदा कि मैं ओरी निंदा करदा, ये नहीं होना चाहिदा सी। वो इस करके निंदा करदा क्योंकि गुरदास मान ने हमेशा पंजाबी मां बोली नूं प्यार दिता, और अज मैनू लगदा कि दुनिया दे अंदर पंजाबी मां बोली का प्रचार करने से जे वड्डा योगदान किसी व्यक्ति का है तो वह गुरदास मान जी का है। देशों विदेशों जदों हुण तां कलाकार मेरे भरा पंजाबी इंडस्ट्री बड़ी उचाइयां ते पहुंच गई है, हुण तां कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन पहचान बनाने वालियां च मोहरी आगू बन के वह पहचान बनाई, और अज तक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा कोई इंसान जे हैगे ने तो गुरदास मान जी है। मेरा उन्होंने गहरा तलुकात है, प्यार है, मैं उन्होंने सत्कार बड़ा करता है, और इन्ना नीवा व्यक्ति मैं वेख्या ही नहीं। घरे जे कोई काम वाला बंदा भी है जो छोटा व्यक्ति है उहदे भी पैरी हथ ला दिंदे। मैं याद है एक बार मैं उन्होंने गड्डी च बैठा सी, ते जिवें गड्डी च आ जांदे कोई इधर उधर कहण वाला भी दिओ जी सानू पैसे दिओ, एक मैनू जवां लगदा सी, मैं कहा यार एवें है, ये तो जाली बनिया हुआ है। लेकिन मैं आख्या जी एक ने सही, उन्होंने कहा ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए। इन्ने नीवे व्यक्ति और कोई होमे नहीं, कोई होमे नहीं, कोई हंकार नहीं। उस व्यक्ति का अगर कोई खेड़ा नहीं छड़दा तो साडा तो छड़ना की नहीं है। सो मेरी बेनती है उन्होंने नौजवानों नूं जिन्होंने यह काम करवाया, बिल्कुल थोनू वेखना चाहिए कि उस व्यक्ति का किड्डा वड्डा योगदान। पहला तो अगलिया ने कोई गल कही नहीं, कई तो उन्होंने तुहाडे तो माफ़ी मंग ली अगले मंच ते जाके जे थोड़ी ठेस पहुंची, फिर भी यार तुसी नहीं हटे, बड़ी माड़ी गल है। सानू तो जिहड़े तुसी गुरु की गल करदे हो उस गुरु ने यह सिखाया भी माफ़ करन देण वाला वड्डा हुंदा है, ते तुसी तो माफ़ी की भी कोई परवाह नहीं करते, थोड़ा तो एक निकाती एजेंडा कोई होर है। सो मैं माफ़ी मंगदा गुरदास मान जी तो, माफ़ी चाहुंदा मान साहब थोड़े तो हाथ जोड़ के कि ये परचा होया, और ये नहीं होना चाहिए सी क्योंकि ये बिल्कुल माड़ी गल हुई है। और मैं पंजाब के डीजीपी साहब नू बहुत सियाने ते सुलझे व्यक्ति ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नू बेनती करांगा कि इनू जल्द कैंसल करवाया जावे, ये नहीं होना चाहिए सी जो जाने अनजाने च होया। ऐ तो फिर किसी नूं किसी ने छड़ना ही नहीं, जिहड़ा मर्जी कोई धरना ला के बह जे वह कहिंदा वी मैं तो परचा दिओ। सो मैं फिर उन्हां सज्जना तों भी माफ़ी मंगना चाहुंदा जिन्हां ने यह परचा कराया, कि भाई जे थोड़े मन नूं ठेस पहुंची है थोड़ियां भावना नूं मैं माफ़ी मंग लैंदा, और उन्होंने भी माफ़ी मंगी है, पर यह माड़ी पिरता है, यह थोनू नहीं पाउणी चाहिए। सो ये परचा जल्द तो जल्द कैंसल होवे, असी इस गल का मैं समझदा कि मैं शर्मिंदा है इस गल ते गुरदास मान जी ते परचा होया। सो मैं बेनती की, और मैनू लगता कि
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ਼ੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ।